भारत की आजादी में ना जाने कितने ही वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राणों को इस देश के न्यौछावर कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर भारत को आजादी दिलाई। ऐसे क्रांतिकारी का नाम भारत की आजादी में दिए गए योगदान के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। ऐसी एक क्रांतिकारी वीर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनके सम्मान में उनके गांव हलधर मऊ मुख्तार गंज में प्रवेश द्वार बनाया गया। इस दौरान लोगों की आंखें नम हो गईं। हम बात कर रहे हैं अब्दुल खालिद खां की, जो जंग ए आज़ादी में क्रांतिकारी सिपाही होने के साथ ही गंगा जमुनी तहजीब एक विद्वान, समाज सुधारक और मानवता के मिसाल पेश की थी। तो चलिए जानते हैं अब्दुल खालिद खां के बारे में इस रिपोर्ट में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और भारत को आजादी दिलाई। इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में एक नाम अब्दुल खालिक खां का है, जो जंग ए आजादी में एक क्रांतिकारी सिपाही होने के साथ ही गंगा जमुनी तहजीब एक विद्वान, एक समाज सुधारक और मानवता की मिसाल थे। इनका जन्म 1 जून 1921 को गोंडा जिले के हलधर मऊ मैजापुर के मुख्तार गंज गांव में हुआ और राष्ट्र सेवा व समाज सेवा के दौरान 3 मार्च 1994 को दुनिया को अलविदा कह दिया। अब्दुल खालिक खां अंग्रेजी फौज में रंगून म्यांमार में तैनात थे। 1944 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून पहुंचे और भारतीयों से अंग्रेजी फौज से विद्रोह का आह्वान किया, तो अब्दुल खालिक खां अंग्रेजी फौज से विद्रोह कर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए और आजादी मिलने तक संघर्ष करते रहे। इसके बाद देश आजाद होने के बाद अपने गांव वापस चले आए। आजादी मिलने के बाद अब्दुल खालिक खां ने मैजापुर में कारखाने लगाए और कारोबार में हाथ आजमाया। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपसी भाईचारा सद्भाव बढ़ाने व इंसानियत की भलाई के नाम पर समर्पित कर दिया। अब्दुल खालिक खां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के पुस्तकों के ज्ञाता थे। अब्दुल खालिक खां के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन से बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। अब्दुल खालिक खां ने मिडिल ईस्ट के सभी देशों का दौरा किया। इसके अलावा उनकी मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति सदर नासिर से खत किताबत भी होती रहती थी। 1955 से 1975 में अमेरिका वियतनाम युद्ध के बीच अब्दुल खालिक ने अपने तमाम साथी दुर्गा सिंह जी, पंडित बसंत लाल, ध्रुवराज सिंह, मगन सिंह प्रधान के साथ शांति प्रस्ताव लिखा और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ भेजा। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ में पढ़ा गया और मिनट बुक में दर्ज किया गया। आज इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब्दुल खालिक के सम्मान में उनके गांव हलधर मऊ मुख्तार गंज गांव में एक भव्य प्रवेश द्वारा बनाया गया, जिसका लोकार्पण उनके पौत्र मसूद आलम खां व पूर्व जिला अधिकारी राम बहादुर डॉक्टर मोहम्मद सादिर खां ने किया। इस मौके पर उनके साथ आजादी की जंग लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम अचल दुबे, मगन सिंह प्रधान सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व जिला अधिकारी राम बहादुर ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए जो सम्मान दिया गया उससे मेरा सर ऊंचा हो गया। वहीं स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल खालिक के पुत्र मसूद आलम खान ने कहा कि परिवार को त्याग कर दादाजी का आजादी के लिए जंग लड़ना और तब तक लड़ते रहना जब तक देश आजाद नहीं हो गया, ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आजादी के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपसी भाईचारा सद्भाव बढ़ाने व इंसानियत की भलाई के नाम पर समर्पित कर दी। यही हम लोगों की प्रेरणा है जिसे हम सभी आत्मसात करते हैं। इस मौके पर डॉक्टर सादिर खां, मसूद आलम खां और पूर्व जिला अधिकारी राम बहादुर ने शहीद के परिवार को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में जहां लोग अभिभूत हुए वहीं गरीबों के चेहरे भी मुस्कान से खिल उठे। आज भी देश का हर युवा इन वीर सैनिकों के बलिदान को याद करता है और यही वीर सैनिक हमें सिखाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए, हमारे ग्रैंडफादर अब्दुल खालिक खां अंग्रेजी फौज में थे
1944 में रंगून में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे और उन्होंने आह्वान किया कि नहीं, हमें जो भारतीय अंग्रेजी फौज में है उनको वो लोग आवे और हमारा साथ दें, तो दादा ने अंग्रेजी फौज से विद्रोह किया, आजाद हिंद फौज में शामिल होकर के उनके लिए जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी और आजादी तक लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं के सम्मान में हमने एक स्वागत द्वार बनाया है और देश के हमारे जिले के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी हैं ये आदरणीय राम अचल दुबे जी, राम अचल दुबे जी, उनके हाथों से और इस जिले के पूर्व जिलाधिकारी हम सबके संरक्षक, बहुत ही इस जनपद में डीएम तो बहुत सारे लोग आए लेकिन जितना नाम आपने गरीबों का दुआएं लेकर के कमाई भाई आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर साहब को, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैंने जिले के सबसे माने जाने चिकित्सक और बहुत ही सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले डॉक्टर सादिर साहब को भी हमने उनकी अध्यक्षता कराई है और तमाम शहीद परिवारों को भी आज हमने बुलाया उन्हें सम्मान करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान करने के लिए और उन पर आज तमाम अपने अपने लोग विचार व्यक्त करेंगे। मैं यहाँ 2011 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और गोंडा के लोगों का प्यार है कि मुझे विभिन्न अवसरों पर बुलाते रहते हैं, लेकिन आज का जो अवसर है मुझे पहली बार अभी 15 दिन पहले बताया मसूद साहब ने कि उनके दादा खालिद साहब, खालिद खान साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके साथ रामचंद्र दुबे साहब हैं। फ्रीडम फाइटर्स को याद करके जब भी याद किया जाता है तो शरीर रोमांचित हो जाता है। आज के इस कार्यक्रम में आकर के मुझे शायद 2011 के बाद जितने कार्यक्रम हुए हैं गोंडा में सबसे अच्छा एहसास हो रहा है। गोंडा से संवाददाता तुफैल खान की रिपोर्ट।